तो दोस्तों फाइनली अगर आप Realme 11 सीरीज यूज़ करते हैं तो यहाँ पे एक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, मे बी कई सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को ज़्यादा मिल रही होगी, और भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही ये सीरियसली प्रॉब्लम लग रही है, जो कि यहाँ पर नेटवर्क इशू को लेकर है। अब आपके सामने आप देख पाएंगे कि नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कन्वर्जन है नेटवर्क को लेकर, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाईली हो रहा है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हमको फेस करने को पड़ रही है अपने डिवाइस में। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ भी दिखाने वाला हूँ, और जो प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क को लेकर, क्या क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हो सकता है कि इस वीडियो के कमेंट में भी आपको कई सारे ऐसे यूजर्स मिलेंगे जिनको मे बी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम लगती है तो भाई कमेंट में आप जरूर से ओपिनियन अपना शेयर कीजिएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं Realme के 11 सीरीज में यहाँ पे जो नेटवर्क इशू है इसको लेकर, बिकॉज यहाँ पे Realme के 11 सीरीज में रिसेंटली Realme UI 5.0 का अपडेट देखने को मिला है, उसमें कई सारी प्रॉब्लम भी है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो नेटवर्क के इशू को लेकर हमको देखने को मिल रही है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस वीडियो के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सो दोस्तों, अगर जब भी यहाँ पे नया अपडेट प्रोवाइड करवाया जाता है तो एक यूज़र के मन में यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपका अपडेट जो है सही होने वाला है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिलहाल जो अपडेट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है Realme की डिवाइस में, ये अपडेट हमको 5.0 का मिला है, लेकिन भाई यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो 4G आपको दिख रहा है ना भाई, बाई मैनुअली ये ऑटोमेटिक 2G पे शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा सिचुएशन आ रही है कि ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। और भाई फ्लक्चुएशन इतना हो रहा है कि हम अपना कोई वर्क जो है प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे हैं इस डिवाइस में, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ जो है अधिकतम देखने को मिल रही है इस फ़ोन में, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कभी कभी ये 2G हो जाता है, कभी कभी ये जो है ऑटोमेटिक चीज़ में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पे ये 2G हो गया ऑटोमेटिक, और थोड़ी देर बाद ये 4G हो जाएगा, फिर ये 2G पे आ जाता है, देखिए ऑटोमेटिक ये 4G हो गया, ठीक है। अब मे भी थोड़ी देर ये चलेगा कुछ समय तक के लिए, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक 2G हो जाएगा। अब ये चीज़ जो है नेटवर्क जैसे होता है ना कि हमारा ऑपरेटर में हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट ऐसा नहीं है, देखिए आपके सामने फिर से ये हुआ, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरा ऑपरेटर यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ उसमें फुल्ली यहाँ पे वोल्टी कवरेज है, और दूसरे फ़ोन में काफ़ी अच्छे से वर्क भी कर रहा है और नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है, बट इसी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी देख सकते हैं ये 2G फिर से हो गया, ठीक है। इसका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ये देखिए फिर 4G आ गया, ठीक है। मतलब जितना भी हो आप देख सकते हैं यूज़ करते करते ऑटोमेटिक जो शिफ्टिंग हो रहा है ना भाई 4G 2G का, ये मुझे पर्टिकुलर दिन में कई बार ऐसी प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिल रही है, ठीक है। कोई वर्क करते हैं तो भाई आप कोई सीरियस वर्क करने लग जाते हैं तो उसमें जब कन्वर्जन होता है यहाँ पे 4G का 2G पे शिफ्टिंग होता है, तो उस सिचुएशन में इंटरनेट की जब बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं उस समय अगर ये कन्वर्जन होता है तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और भाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भाई मे बी हमको तो देखने को मिल रही है, पता नहीं कितने यूजर्स को मिल रही है, कितने यूजर्स को नहीं भी मिल रही होगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो है अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप जरूर से कमेंट में भी अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा। बाकी भाई कई सारे यूजर्स को जरूर से मिल रही है, और देख सकते हैं फिर से ये 2G हो गया, ठीक है। मतलब आपके सामने ही कितनी बार ये अभी 2G हुआ है, 2G से 4G, 4G से 2G, मतलब ऑटोमेटिक इसका कोई मतलब रूटीन फिक्स नहीं है, ठीक है। और टीम को जरूर से इस चीज़ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाहिए, टीम को इस चीज़ को दूर करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को एटलीस्ट दूर करना चाहिए। अब देखें फिर से 4G आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने लाइव प्रूफ तो दिखा ही दिया किस तरीके से ये कन्वर्जन हो रहा है बार बार जो है 4G 2G, ये देखिए फिर से हो रहा है, ठीक है। भाई जो फ्लक्चुएशन हो रहा है कहीं ना कहीं, हाँ हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टीम को इस चीज़ को फिक्स करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम किस चीज़ की आ रही है इसको जो है सॉफ्टवेयर टीम को जरूर से देखना चाहिए। जो कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, बार बार 4G 2G 2G 4G, ये चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है। और फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट काम करने लग जाओ ना भाई, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम में भी जनरेट होती है, ठीक है। और कुछ आप ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते हो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है। तो वेल हो सकता है कि कई सारे यूजर्स को ये प्रॉब्लम हो, बट जिसको भी आ रही है जरूर से कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन शेयर कीजिएगा, और आप जरूर से बताइएगा आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है देखने को। तो होपली ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।